नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ नित्या सिंह। रुक करेंगे देश विदेश की 25 बड़ी खबरों की। खबर गुजरात से आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी उम्मीदवार नामांकन वापस लेने पहुंचे। पार्टी ने बीजेपी पर लगाया किडनैपिंग का आरोप। दिल्ली से खबर आ रही है, जहां एसीबी के एक्शन के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में टिकट नहीं बिकता। अजय माकन को खड़गे की चिट्ठी, लिखा राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी का जिम्मा नहीं उठाना चाहिए। खबर गुजरात से आ रही है, जहां चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में रोड शो किया। गुजरात चुनाव से राघव चड्ढा का बड़ा बयान, कहा बीजेपी के गुंडों ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को किडनैप किया। गद्दा हत्याकांड से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली पुलिस ने आरोपी के फ्लैट पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। गद्दा हत्याकांड में आफ्ताब को लेकर आज क्राइम सीन पर जा सकती है पुलिस। करेंगे उत्तराखंड की ओर, जहां धामी कैबिनेट की अहम बैठक कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। श्रद्धा हत्याकांड में आज पुलिस को मिल सकता है आफ्ताब के लैपटॉप का डेटा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाके ने आज 1 बजे नामांकन दाखिल किया। मिसाइल अटैक पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पोलैंड के प्रेसिडेंट से फोन पर बात की। एनसीपी की गुजरात महिला अध्यक्ष रेशमा पटेल ने दिया इस्तीफा। खबर लखनऊ से है, जहां छत से गिरने पर युवती की मौत। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि दूसरे समुदाय के लड़के ने धकेला। पोलैंड में मिसाइल अटैक पर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन बोले, वैश्विक नेताओं से बातचीत जारी। दो निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाली पीआईएल पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पोलैंड मिसाइल अटैक पर यूएस राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 और नाटो नेताओं की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। खबर लखनऊ से आ रही है, जहां जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। एक युवक ने 20 वर्षीय युवती को छत से नीचे फेंक दिया। इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। शादी के लिए मना करने पर लड़के ने उठाया यह खतरनाक कदम। खबर सूरत से है, जहां सूरत के मिल में लगी आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, वहीं किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज दाखिल करेंगे नामांकन। मोदी ने कहा कि G20 की अध्यक्षता के दौरान विकासशील देशों की आवाज बनेगा भारत। अगले साल भारत में होगी G20 की बैठक। पीएम मोदी बोले, दुनिया को हमसे उम्मीद है। खबर श्रीनगर से आ रही है, जहां श्रीनगर पुलिस ने टीआरएफ आतंकी संगठन से जुड़े 4 संदिग्धों को अरेस्ट किया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे घोटाला मामले में जांच ईडी तक पहुंची। घोटाले में 12 से अधिक अफसरों पर आरोप। बिहार के आरा में हुई घटना, जहां नशे में धुत बदमाश एक डांसर के साथ जबरदस्ती नाचने लगे थे, जिसका विरोध हुआ तो बदमाशों ने डांसर और सिंगर को गोली मार दी। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट कराया गया। खेल पुरस्कारों का हुआ ऐलान। इसी कड़ी में टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचत शरत कमल को मिलेगा खेल रत्न। अर्जुन पुरस्कार के लिए भी 25 खिलाड़ियों को चुना गया। 30 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगे। खबरों के अन्य अपडेट के लिए बने रहे खबर टुडे न्यूज के साथ। धन्यवाद।